उस दिन हमने एनपीए के बारे में पढ़ लिया था कि जो एनपीए होता है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, और अगर 3 महीने तक किस्त ना दी जाए तो वो जो है आपका एनपीए को एनपीए में डाल देते हैं उसको। अगर 3 महीने तक कोई किस्त आपकी नहीं जाती है तो, अगर 3 महीने तक किस्त नहीं जाती है तो फिर रिकवरी कैसे होगी? उसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। पहला कानून है सरफेसी एक्ट 2002, ये एक्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1991 में नरसिम्हा फर्स्ट कमेटी बनी थी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि बैंक हैव डिफिकल्टी टू रिकवरिंग एनपी। उन्होंने कहा बैंकों को बहुत सारी डिफिकल्टी है कि वो किस तरह से अपना एनपीए रिकवर करें। तो ये सारा प्रोसीजर जाता था डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में, जिसे बोलते थे डीआरटी। ये 1993 में सेटअप किया गया था। तो इसमें क्या होता था, ऑर्डिनरी कोर्ट्स कांट इंटरफेयर इन द लोन रिकवरी प्रोसेस। जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते थे वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इसीलिए 98 में नरसिम्हा सेकंड कमेटी बनी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डीआरटी है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। नीड टू बी स्ट्रेंथन विद द लॉ। स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो फिर बाद में इसको मजबूत करने के लिए कौन सा एक्ट बना दिया, सरफेसी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन है, ऐसे सिक्योरिटाइजेशन, ए से एंड, आर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इंफॉर्मेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फिर इसे 2002 में लागू किया गया। इस एक्ट से, सरफेसी एक्ट से, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है जिसे बोलते हैं एनबीएफसी, उन्हें अटैच कर दिया गया। और जो भी चीज हम अपनी मॉर्गेज रखते हैं जब हम लोन लेते हैं और जब हम नहीं रिपे कर पाते, तो ये चीजें फिर इनसे वसूली की जाती है। देखिए, चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सच कंपनी कैन ऑक्शन सच असेट्स, कैन ऑल्सो सच असेट्स असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी एनबीएफसी। तो सरफेसी एक्ट के तहत वो आपसे रिकवर करेंगे। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, नॉट एप्लीकेबल ऑफ फार्म लोन्स। ये जो है केवल खेती पे अगर आपने लोन लिया है तो उसमें ये वैलिड नहीं, बस। बाकी कोई भी लोन लिया है तो हर किसी पे ये सरफेसी एक्ट 2002 लागू होता है। इफ लोन डिफॉल्टर वांट टू ऑब्टेन ए स्टे ऑर्डर, अगर उसे स्टे ऑर्डर चाहिए, ही कांट गो टू ऑर्डिनरी कोर्ट, तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं जा सकता। ही विल हैव टू अप्रोच फॉर डीआरटी, तो उसे डायरेक्ट डीआरटी जाना पड़ेगा। डीआरटी बोले तो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। इफ डीआरटी डज नॉट हेल्प, अगर उसकी डीआरटी हेल्प नहीं करता है, तो वो हायर अपील के लिए डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल डीआरएटी में अपील कर सकता है। लेकिन अगर वो डीआरएटी में अपील करता है तो उसे 50% का लोन ड्यू और उसको देना पड़ेगा, मिनिमम 50%। अभी कोरोना से पहले अनिल अंबानी के साथ में ऐसा ही हुआ था। तो अनिल अंबानी का जो केस था वो मुंबई में चल रहा था, लेकिन जो केस की जो प्रॉब्लम थी वो गुजरात की थी। तो वो जो है ऐसे ही अपना केस जो है गुजरात को ट्रांसफर कराना चाहता था। तो ये जो मामला था ये करीब करीब था 3-4 हजार करोड़ रुपए का, उसको देना था छोटे भाई को, अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी। तो फिर बात आई कि अब ये गुजरात ट्रांसफर करो, उसको जो है ये 50% पैसा देना था, इसीलिए फिर उसने केस ट्रांसफर नहीं किया, मुंबई से ही लड़ा। अगर यहाँ भी डीआरएटी में भी नहीं बात होती तो हायर अपील जो है हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये है सरफेसी एक्ट के तहत किस तरह से काम होता है। तो जो डीआरटी होता है और डीआरएटी होता है, ये अंडर स्टाफ होता है, मीन्स 1 लाख+ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक। यहाँ पे 2016 की बात है, तब से अब तक कितने केस होंगे, मतलब बहुत धीरे काम होता है। इसलिए केस जो है ईयर टू ईयर चले जाते हैं, और जो डेप्टर है, जो कर्ज है, वो ऐसे ही असेट्स रखे रह जाते हैं, उससे बैंक वसूली नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से जो असेट हैं वो इरोज हो जाते हैं, जैसे मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सब टाइम के साथ में खराब हो जाते हैं। और जब भी डीआरटी इनकी ऑक्शन करता है तो फिर उतनी वैल्यू मिलती नहीं है। लेकिन जैसे कुछ बिजनेस है जहाँ ऑक्शन होती है, लिक्विडेशन होती है, नॉट यील्ड द बेस्ट रिटर्न फॉर द बैंक, वो बैंक को अच्छे रिटर्न नहीं देते,
जैसे होटल रिसोर्ट इन रिमोट एरिया, अगर बाहर शहर से बाहर होटल है तो वो उतना अच्छा बिकता नहीं है, तो वहां पे बैंक को लॉस हो जाता है। वे नो अदर होटलर्स आर कीन टू इन्वेस्ट, लेकिन अगर वहां कोई इन्वेस्ट करने वाला ना हो तो भी, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो पिछले 2 साल से होटल इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, लगातार नुकसान हो रहा है। इन सच केसेस इफ लोन्स वर रिस्ट्रक्चर्ड रिड्यूसिंग परसेंट इंटरेस्ट एक्सटेंडेड टेन्योर फाइंडिंग न्यू पार्टनर, तो इस केसेस में नए पार्टनर फाइंड किए जाते हैं, उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जाता है, परसेंटेज रिड्यूस किया जाता है। बैंक कुड सेल्वेज मोर वैल्यू, जिससे कि बैंक को ज्यादा वैल्यू मिल सके। सरफेस एक्ट डज नॉट फैसिलिट सच आर्बिट्रेशन, जो है मध्यस्थता का काम नहीं करता है, डज नॉट फैसिलिट आर्बिट्रेशन, सो गवर्नमेंट केम अप विद ए न्यू लॉ, तो इसीलिए गवर्नमेंट फिर एक नए लॉ की तरफ गई जिसका नाम था आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 2016 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है विजय माल्या को अभी इंडिया लेके आएंगे नीरव मोदी। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म और कंपनी डिफॉल्ट ऑन ए बिजनेस लोन 1 लाख और मोर, देन लेंडर्स अप्रोच नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब, ये सबसे बड़ा कानून का वो होता है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर द आईबी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एनसीएलटी हैज ओवर 10 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया, इसकी 10 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, और ई फिलिंग के साथ आपका काम शुरू हो जाता है, आप ई फिलिंग फैसिलिटी ले सकते हैं एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए। एनसीएलटी जो है मॉरेटोरियम पीरियड देती है 180 से 270 डेज का, सो नो लो अदर लेंडर कैन यूनिलेटरली अटैच असेट अंडर सरफेस एक्ट विद इन द पीरियड। एन आईपी विल मेक ए रिजोल्यूशन प्लान, रिड्यूस लोन इंटरेस्ट, एक्सटेंड लोन टेन्योर, और आईपी कुड इवन फाइंड अनदर इन्वेस्टर टू फाइंड पेंडिंग प्रोजेक्ट। तो जो अगर आपको जो है एनसीएलटी जो है पाबंदी मॉरेटोरियम पीरियड देती है 180 से 270 डेज का, सो जिसकी वजह से जो लेंडर है वो अपना यूनिलेटरी अटैच कर सकता है असेट को सरफेस एक्ट के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ X% ऑफ लेंडर्स एग्री विद सच प्लान, देन इट विल बी सेट इन मोशन, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन प्लान विल प्री क्लोज, तो जो है उसको प्री क्लोज कर दिया जाएगा, पहले ही बंद कर दिया जाएगा असेट रिकवर कर ड्यू रिकवर करने से पहले। इसमें अपील स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इफ ए बोरोवर इज इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, तो वो डीआरटी के पास जाएगा या डीआरएटी के पास जाएगा और सरफेस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इफ बोरोवर इज ए कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो वो सीधे एनक्लैट के पास जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में, और फिर काम वो सारी प्रोसेस शुरू होगी। तो जो है अभी आपने टाटा कंपनी का सुना होगा, टाटा कंपनी का और साइरस मिस्त्री का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें एनक्लेट ने ही अपना डिसीजन दिया था, फिर कि उन्होंने साइरस मिस्त्री को बोला कि गलत तरीके से हटा दिया टाटा ने, बाद में टाटा ने रीअपील की, तो फिर अभी जो है साइरस मिस्त्री को हटा दिया, वो पूरा मुद्दा एनक्लेट में ही गया था, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्राइब्यूनल। आईएनबी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग डिफॉल्टर, जैसे जो कौन सा होता है बंदा एक जो जानबूझकर बकायदा, जैसे विजय माल्या हो गया, विजय माल्या बाय डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर बाय एसबीआई 2000, जानबूझ के नहीं दे रहा क्योंकि उसका काफी पैसा है, उसका कैपेसिटी है रिपे करने की लेकिन देना नहीं चाहता, बाय ही नॉट रिपेइंग द लोन, तो एक तो डिफॉल्टर ये होता है जानबूझ के नहीं देना चाहता। दूसरा होता है अनेबल डिफॉल्टर, अनेबल होता है जो दे नहीं सकता, कुछ लोन अकाउंट इज एनपीए मोर देन ए ईयर, जिसका अकाउंट 1 साल से ज्यादा रिपे में है, जैसे कि वीडियोकॉन आप ले सकते हैं, वीडियोकॉन के पास अब पैसा नहीं, कंपनी दिवालिया हुई, ऐसे। तो अबव टू कैटेगरी बोरोअर आर नॉट एलिजिबल फॉर इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दिस देयर असेट विल बी डायरेक्टली लिक्विडेटेड अंडर सरफेस एक्ट, तो इन दोनों को जो है डायरेक्ट सरफेस एक्ट के तहत इनकी जितनी संपत्ति होगी जब्त कर ली जाएगी, इन्हें जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर नहीं लाया जाएगा, इन जैसे दो बंदों को जो एक असमर्थ है जो जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया, ये जो है बॉडी मॉनिटर की गई 2016 में बनाई गई, इसका एक चेयरमैन होता है जो पहले एमएस साहू था, 1 नॉमिनेटेड मेंबर होता है जो आरबीआई का होता है, 8 मेंबर इसमें गवर्नमेंट के होते हैं, टोटल 10 मेंबर होते हैं। जो आईबीबीआई होता है इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है किसका होता है,
क्योंकि वो लिख देंगे एनक्लेट के साथ में तो हमें लगेगा लॉ से रिलेटेड है, तो नहीं, तो लॉ से रिलेटेड नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड है। इसका चेयरमैन 5 साल के लिए होता है, 65 का एज तक होता है, और वो उसकी रिअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। जो आईबीबीआई के जो सिलेक्टेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, दीज आईपीए एनरोल्ड सुपरवाइज्ड मेंबर प्रैक्टिसिंग एन इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रोफेशनल आईपी। प्रेजेंटली थ्री ऑर्गेनाइजेशन आईपीए, नंबर एक आईसीआई, एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा होता है कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं आईसीएसआई, तीसरा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये तीन होते हैं। अगर 2009 की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एक ऑटोनोमस बॉडी थी जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर बनाया गया था। बाद में से 2 ईयर बाद एक लॉन्च किया गया ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के तहत। स्टूडेंट पास इन दिस प्रोग्राम कैन रजिस्टर एज आईपी विदाउट द मैंडेटरी 10 ईयर एक्सपीरियंस। अगर कोई स्टूडेंट इससे पास होता है तो विदाउट वो दो है 10 साल एक्सपीरियंस के भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। सेम आईआईसीए आल्सो सेट अप इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन सेंटर फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी टू प्रमोट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन दिस फील्ड। तो ये काम भी होता है इसमें, जैसे कि जैसे बार काउंसिल होता है, तो अगर आप LLB किए हुए हैं, बार काउंसिल में आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आप जो है सीधे एडवोकेट बन जाते हैं, वैसे ही है ऐसे। आईबीबीआई आल्सो सेलेक्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आईयू इसको बोलते हैं। इसमें जो है डाटाबेस ऑफ बोरोवर मेंटेन किया जाता है। एक होता है NECSL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस, इसके अंदर जैसे अपने कंसोर्टियम पीरियड होता है SBI LIC, उनका पूरा आईयू स्टेटस इसके अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से ही आईबीबीआई काम करता है। लेकिन बाद में 2017 में इसमें बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट की गई, जो आईबी कोड था इसका रेजोल्यूशन जो प्रोसेस था कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर ए बैंक NBFC फाइल्स ए मोशन एट NCERT। अगर NCERT के अंदर कोई मोशन फाइल्स करना है बैंक के बाद में, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑफिशियल फियर मीडिया है ना, मीडिया का डर होता है, CBI का, CVC का, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कोर्ट का, हेंस वर रिलक्टेंट टू इवन फाइल मोशन। तो ये NCERT पे अपनी फाइल नहीं लेके जाते हैं। आईबी रेजोल्यूशन प्लान कैन वर्क ओनली इफ एक्स परसेंट लिंडर से अप्रूव्ड। अगर आईबी रेजोल्यूशन प्लान तभी वर्क करता है जो कम से कम एक्स परसेंट लिंडर जो है अप्रूव किए हो, बट इन सच वोटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जीक्यूटिवल साई एम वो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट बैंक इसमें नहीं जाते, तो ये पूरा का पूरा जो है वोटिंग सिस्टम इसका फेल हो जाता है इस तरह से। अब देखो इसमें कोड में 2018 में फिर से चेंजिंग की गई, परमिट्स गवर्नमेंट टू मॉडिफाई नॉर्म अप्लाइंग IBC फॉर MSE। जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड था वो MSME के लिए चेंज किया गया। उधर से रेरा आ गया, रेगुलेट ये अथॉरिटी, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है रेरा में। रजिस्टर्ड बिल्डिंग होम ऑफिस बायर बायर्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर लेंडर्स। सो इफ बिल्डर अनेबल टू फिनिश प्रोजेक्ट, अनेबल टू रिपे द लोन टू बैंक, होम बायर विल हैव वोटिंग पावर इन द IND रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर रेरा कानून के तहत अगर कोई बिल्डर रजिस्टर करता है अपनी बिल्डिंग को, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिट अगर वो नहीं दे पाता है या फिर वो पे नहीं कर पाता है लोन को, तो ऐसे बंदे को होम बायर विल हैव वोटिंग पावर इन द, तो जो भी बंदा उसको लोन देता है वो इंसॉल्वेंसी बैंकिंग रिजोल्यूशन के तहत इस प्रोसेस को अपने अंदर ले सकता है और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इसके मेन फीचर पढ़ते हैं, वो क्या है, जैसे लेंडर वोटिंग बिफोर आफ्टर। पहले क्या होता था रूटीन डिसीजन में, ये बिफोर पहले 75% था, अभी 51% है। की डिसीजन देखें तो यहाँ पे 75% है, अब यहाँ 66% है। और विड्रॉइंग रिजोल्यूशन NCERT, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 90% अब हो गया, वो विड्रॉ कर सकता है अपने। 2018 में सशक्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 2018 में, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट सशक्त नाम से लॉन्च किया था पब्लिक सेक्टर बैंक NPA के लिए। इसकी रिपोर्ट सुनील मेहता जो PNB के CEO थे उन्होंने उन्होंने दी। इसमें उन्होंने 5 अप्रोच बताई। पहली अप्रोच थी स्मॉल साइज बैड लोन जो 50 करोड़ तक के हैं, उन्हें SME रेजोल्यूशन टेम्पलेट 90 डेज रखा गया उनका। बैंक इटसेल्फ शुड वर्क इट आउट विदाउट अप्रोचिंग NCERT। तो बैंक को जो है NCERT से नहीं कंसल्ट करना चाहिए, बैंक को खुद ही डील करना चाहिए। अगर 50 से 500 करोड़ तक का लोन है तो उसे इंटर कैरेक्टर एग्रीमेंट में रखना चाहिए। इसको 180 दिन तक उन्होंने टाइम दिया। बैंक देल्सन शुड वर्क इट आउट विदाउट अप्रोचिंग NCERT।
तो बैंक को 180 दिन तक खुद ही अप्रोच करना चाहिए। अगर 500 करोड़ से ज्यादा का है प्रोसेस तो इसे इंडिपेंडेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना चाहिए टू बाय अ बैड लोन्स फ्रॉम बैंक। एएमसी विल नॉट बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, तो उसे एएमसी को देना चाहिए। और अगर चौथा उन्होंने बताया ऑनलाइन असेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और एनसीएलटी और आईबीसी को लीगल टेक्निकल रिफॉर्म में डाल देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने सशक्त प्रोजेक्ट में एनपीए को मजबूत करने के लिए 5 ये सजेशन दिए थे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2019 के प्री में आया हुआ है, इसको करो। इसका दूसरे का पॉइंट नंबर 2 से है ये क्वेश्चन। कौन सा पार्ट आएगा इसका? कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। इसका डी पार्ट सही है। ये जो है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ये आपका पॉइंट नंबर 2 में है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट असेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। तो इसको जो है 50 से 500 करोड़ तक का जो है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में डाल दिया गया। तो इसका डी पार्ट आंसर आया, ये 2019 में आया सेट ए में। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। उसके बाद में आरबीआई ने फरवरी 12 में एक सर्कुलर जारी किया 2018 में प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क नाम से। इसमें उन्होंने बोला आरबीआई इश्यूड ए सर्कुलर ऑन 12 फेब 2018 डिस्काउंटेड सीडीआर S4A SDR जो हम पढ़ चुके हैं। हेंसफोर्थ IBC टू बी मेन टूल वन डे डिफॉल्ट नोन। तो IBC जो है मेन टूल हो जाएगा। इमीडिएटली स्टार्ट रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन नॉट फाइनल इन 180 डेज एंड लिक्विडेशन। अगर 180 दिन के अंदर ये फाइनल नहीं होता है तो हम इसे लिक्विडेशन में डाल देंगे। और ये सारा कुछ वैसा ही रहेगा जो हम NPA पहला ऐसा में 0 है 30 डेज तक, उसके बाद जो है 90 डेज तक ये सारा कुछ वैसा ही रहेगा। उसके बाद आया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के 2 फैक्ट्स हैं। पहला फॉरेन क्रेडिटर शुड बी एबल टू रिकवर मनी लेंड टू इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड वाइस वर्सा। जो फॉरेन क्रेडिटर हैं उनको जो है शुड बी एबल टू रिकवर मनी लेंड टू इंडियन कॉर्पोरेट। दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग इंडियन कंपनी इंसॉल्वेंसी इन इंडिया द इंडियन लेंडर्स शुड बी एबल टू रिकवर मनी फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉरन असेट्स इजीली। मतलब दोनों तरीके से, या इंडियन कंपनी है अगर वो इंसॉल्वेंसी के अंदर आती है तो इंडियन जो लेंडर्स हैं जो इंडियन को उधार देते हैं बंदे शुड बी एबल टू रिकवर मनी, तो वो जो है रिकवर कर सकते हैं इंडियन कंपनी के जो फॉरन असेट्स हैं उनसे। जैसे मान लो गूगल ने इंडिया के किसी बैंक से पैसा लिया तो उनका इंडिया में कुछ असेट्स होगा, अगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो उस असेट से हमने ये सारा पैसा वसूल करना है। जैसे कि नोकिया के साथ हुआ था, नोकिया का तमिलनाडु में प्लांट था तो उन्होंने 3-4 साल से टैक्स नहीं दिया, बाद में ईडी ने उनका पूरा पूरा जब्त करके सब बंद कर दिया, नोकिया कंपनी यहाँ से गायब हो गई, उनका सारा प्रोसेस उन्होंने जब्त कर लिया था नोकिया कंपनी का। आईबीसी के सेक्शन 234-235 का है प्रोविजन फॉर इट बट दे आर नॉट नोटिफाइड येट सो दे आर नॉट इन्फोर्स। 234-235 में लिखे हुए हैं लेकिन अभी ये लागू नहीं हुए हैं तो इसलिए इनका कोई अभी तक नोटिफिकेशन है नहीं। 2018 में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी हेड बाय इंजीत श्रीनिवास
इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने रिकमेंड किया वी क्रिएट ए सेपरेट लॉ, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है उनका हमें सेपरेट लॉ बनाना चाहिए। मोर देन 40 नेशन यूज यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये 40 से ज्यादा देश इस लॉ को यूज करते हैं। इसे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997 में बनाया गया था। सो वी कैन यूज इट एट टेम्पलेट वाइल मेकिंग अवर लॉ, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन सच बिल, तो गवर्नमेंट इस बिल पे काम कर रही है कि वो भी अपना इंटरनेशनल कानून ऐसा ही कुछ बनाएगी, जैसे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको फिर डील किया जाएगा। नेक्स्ट है बोरोवर डाटाबेस सर्विलांस पब्लिक क्रेडिट, प्रेजेंटली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की बोरोवर, अगर बहुत ज्यादा लोग एक से ज्यादा लोग लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो उसको सारे डाटा को मैनेज करने के लिए एक आई एंड बी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड बना दिया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। तो इन्होंने फिर एक अथॉरिटी ऑथराइज कर दिया नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड NESL, तो वो सारा कुछ अपने अंदर रखता है। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर IU के ऊपर काम करता है। इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट CSRA 2005 RBI है गिवन लाइसेंस टू क्रिसिल। अब सबका जो है क्रिसिल देखा जाता है, पहले जो है CIC देखा जाता था 87 तक, KR, फिच इंडिया, ये रेटिंग होती है, ICRA, प्रिक वर्क रेटिंग, समीरा, ये सभी रेटिंग है, ये AA++ ऐसे कंपनी को रेटिंग देती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो अगर जैसे किसी कंपनी की रेटिंग A++ है तो बहुत बढ़िया है, AAA है और बढ़िया है, A+ है, A-, तो ये कंपनी को रेटिंग देती है, सब रेटिंग एजेंसी है। RBI has its own central repository of information on large credit. RBI का अपना खुद का CRILC है for loan above rupees 5 crore banks and NBFC have to submit weekly update in this portal. तो इस पोर्टल पे NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनको वीकली अपडेट देना पड़ता है अगर कोई लोन 5 करोड़ से ऊपर है तो। बट नॉट ऑल दीज डाटाबेस आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ RBI, सब RBI के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए डाटा कलेक्शन टेबुलेशन नहीं हो पाता है। नहीं, अगर ऐसा होता तो यस बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। यस बैंक के मालिक ने 75% पैसा एक दो बिल्डर्स को ही दे दिया था, RBI के कंट्रोल में सारा कुछ नहीं। RBI ने एक अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाई, उसके बाद जिसे बोलते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये हर बार IAS के पेपर में क्वेश्चन आता है, डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री PCR के ऊपर। तो जो PCR विल बी सेटअप अंडर RBI के अंडर है, इसमें जो है डाटा जो है SEBI का, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का, GST का, IBBI का, बैंक NBFC सबका डाटा यूज किया जाता है। जो PCR है हेल्प करता है लेंडर्स को टू गेट कंप्लीट 360 डिग्री प्रोफाइल बोरोवर ऑन रियल टाइम बेसिस। PCR हेल्प करता है RBI को अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक स्ट्रेस, चेकिंग द एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और डाटा एनालिटिक्स। तो ये PCR से बहुत इंपॉर्टेंट है, PCR डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इससे आ सकता है क्वेश्चन। ये देखो 2018 में आया भी है PCR से क्वेश्चन। RBI issued tender to select a company for developing PCR portal. Company won the tender contract. Which one of the following is a credit rating agency in India? इनमें से कौन सी एजेंसी है जो इंडिया में है? क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2018 का पहले का क्या आएगा आंसर पहले क्वेश्चन का? ऑल ऑफ द एबव, इंडिया में क्रिसिल भी है, केयर भी है, इकरा भी है, सारी ऑल ऑफ द एबव। दूसरा करो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री PCR, हेड बाय, इसको किसने हेड किया था? इसमें नाम नहीं लिखा है, डी पार्ट आएगा इसका, बाई एम डीओ सैथिली, इसमें लिखा नहीं नोट्स में ना, नहीं डी बाई एम डीओ सैथिली। तो इस तरह से कमेटी तो इंपॉर्टेंट है, IAS का पेपर जब से बना है कमेटी लगातार आती है, कौन सी कमेटी को और किसने हेड की, उस कमेटी का नाम क्या था, IAS में कमेटी बहुत आती है।
नेक्स्ट करते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ILEI नंबर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये देखते हैं। जैसे कोई कंपनी है अगर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है इंडियन बैंक से, इट कुड अप्लाई फॉर लोन ओवरसीज, तो वो ओवरसीज में भी लोन अप्लाई कर सकती है। तो जो दो जो ओवरसीज बैंकर्स मे नॉट अवेयर ऑफ कंपनी हिस्ट्री, जिसे कंपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है ओवरसीज में, देयर शुड बी अ ग्लोबल आधार कार्ड, तो उनका एक ग्लोबल आधार कार्ड है, नंबर ऑफ कंपनीज है, एंड दे मस्ट बी फोर्स टू क्यूट दैट नंबर ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो जब भी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस नंबर को वो हमेशा यूज करेंगे। आफ्टर सब प्राइम क्राइसिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस GFC एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड केम अप दिस LEI कंसेप्ट 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो हर कंपनी को एक 20 नंबर का एक अल्फा 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन फ्रैंकफर्ट जर्मनी की ये संस्था है, LEI इंडियन एजेंट है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनकी मदद से ये पूरा का पूरा डाटा जो है एक 20 नंबर का एक अल्फा डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट कर दिया जाता है, जिससे कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडिया में और ओवरसीज होंगी तो वो सब पता लगती रहेंगी, इससे फ्रॉड नहीं होगा। फिर RBI ने ऑर्डर दिया कि जो लार्ज बोरोवर है जिनपे 1000 करोड़ से ज्यादा का इंडियन बैंक्स का लोन है टू ऑब्टेन LEI नंबर, उन्हें 31 अगस्त 2018 तक LEI नंबर लेना ही था। द ग्रेजुअली स्मॉलर कंपनी मस्ट ऑब्टेन LEI नंबर, जो छोटी छोटी कंपनियां उन्हें धीरे धीरे ये नंबर लेना था, जिससे कि RBI को सब पता लगता रहे कौन कितने रुपए का लोन ले रहे हैं। तो ये भी जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये नंबर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसे भी जो है से पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2017 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर डाला गया, मतलब कि इवन ए बोरोवर हैज ऑब्टेंड LEI हिज नेम इन PCR येट वन डे ही रन्स अवे फ्रॉम इंडिया देन व्हाट डू, तो इसका आंसर क्या आएगा कि अगर कोई बंदा है जिसका नाम LEI में PCR में भी है पब्लिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, येट वन डे रन्स अगर वो इंडिया से भाग जाता है तो क्या होगा, उस पर जो है इसके तहत जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसकी रोक दी जाएंगी, वो कहीं भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि जो नंबर है उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद आया फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट आया 2018 में। ये सब NPA को रोकने के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं कि देश में NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ना बढ़ पाए। दिस एक्ट टारगेट इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्यूज चेक डिसऑनर, जिनका चेक डिसऑनर हो जाता है, लोन इन्वेस्टमेंट चिट फंड स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग 100 करोड़ रुपए, तो उनको जो है इसमें पनिशमेंट दिया जाता है, उनको फ्यूजिटिव धोखाधड़ी के मामले में कानून ये जो है सजा दी जाती है। इसको जो है पहले PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में डाला जाता है, इन ऑर्डर टू बिलेन टू अपियर विद इन 6 वीक इफ नॉट ही डिक्लेयर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हिज इंडियन असेट्स एंड बेनामी प्रॉपर्टी विल बी अटैच, तो उसके सारे असेट्स और सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। जैसे मैंने किसी को 100 करोड़ का चेक दिया और वो बाद में फेल हो गया तो मुझे इसके तहत पनिशमेंट होगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के तहत। जैसे ही क्रेडिटर की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है बिल ओवरसीट एडमिशन लिक्विडेशन, तो उसका जो है सारा लिक्विडिटी जितना होता है सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। नो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल गिव स्टे ऑर्डर, तो इस पर कोई भी सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट इस पर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता है। जो मैन बिलेन है जो जिसकी संपत्ति अटैच हो रही है कैन मी अपील ऑन हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा सहारा का केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि जो आपने जितना 12,000 करोड़ जितना भी है वो सारा पैसा वापस करो जितने बंदों का आपने ये बनाने के लिए लिया हुआ था। इस तरह से इफ बोरोवर डू नॉट रिपे सरफेसी ऑक्शन गिव लिटिल रिकवरी CRSLR इनसफिशिएंट टू डिपॉजिट देन बैंक कोलैप्स इमिनेंट देन हाउ टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बोरोवर नहीं रिपे करता है और सरफेसी एक्ट के तहत थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है, जैसे कि विजय माल्या के केस में हुआ, उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे संपत्ति जब्त कर ली लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला, तो जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो वो अगर इनसफिशियंट है तो बैंक को कोलैप्स होने से कौन बचाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो केवल 2 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मैन उठते हैं।
उसके बाद एनपीए को रोकने के लिए एक डीआईसी जीसीआई एक्ट बना दिया। ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन देखो इसके क्या है। 1961 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया गया। ये सभी बैंक्स के लिए मस्ट था कि मस्ट बाय इंश्योरेंस एंड देयर डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम डीआईसीजीआई। 100% ओन बाय गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बन बाय आरबीआई डिप्टी गवर्नर एक्ट एज चेयरमैन ऑफ डीआईसीजीआई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। दूसरा था व्हेन ए बैंक शट डाउन। जब एक बैंक बंद हो जाएगा तो डीसीआई विल पे अप टू ₹1 इंश्योरेंस टू एवरी डिपॉजिट होल्डर फॉर हिज प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो 1 लाख तक का उनका इंश्योरेंस होता था। अभी जो है अमित शाह ने इसको 2 लाख रुपए कर दिया। प्रीवियसली डीआईसीजीआई आल्सो प्रोवाइड अ गारंटी कवर टू बैंक लोन्स ग्रांटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर बोरोवर एक्सेप्ट होम लोन्स। तो इन सब के लिए भी डीआईसीजीआई एक जो है गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया हुआ है इनके लिए। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। जैसे इफ ए कस्टमर हैव डिपॉजिट मोर देन 1 लाख रुपए इन सिंगल कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक देन ही गेट्स ओनली 1 लाख रुपए डीआईसी। मान लो मेरा 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है किसी बैंक में और बैंक अचानक डूब जाती है तो डीआईसीजीआई मुझे केवल 1 लाख रुपए देगी, बाकी पैसा मेरा 19 लाख रुपया मेरा डूब गया। इसीलिए एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट मस्ट वेट टिल आरबीआई। वो सभी पैसा आरबीआई और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार लिक्विडेट द बैंक, वो देंगे तो मुझे मिलेगा, नहीं तो वो पैसा मेरा डूब जाएगा। तो डीसीआई डज नॉट कवर एनबीएफसी, जो है एनबीएफसी को कवर नहीं करती। 2002 में यूटीआई ए गवर्नमेंट ओवर म्यूचुअल फंड कंपनी मेड बिग लॉस। ऐसे ही उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था यूटीआई को। डीआईसीजीआई नॉट लायबल टू प्रोटेक्ट यूटीआई क्लाइंट। उन्होंने यूटीआई के क्लाइंट को नहीं प्रोटेक्ट किया। गवर्नमेंट हैड टू पे 14,561 करोड़ रुपए बेल आउट पैकेज। गवर्नमेंट ने इसको ऐसे अभी यस बैंक के केस में हुआ, यस बैंक को एसबीआई ने और एक्सिस बैंक ने और आईसीसीआई ने और कोटक महिंद्रा इन्होंने पैसे डाल के बचाया था इसको यस बैंक को, नहीं तो ये बैंक डूब जाती। इसमें सारा पैसा डूब गया। गवर्नमेंट ने आरबीआई ने बैन लगा दिया कि कोई भी बंदा इसमें से 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा पैसे। तो बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी ऐसा पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में भी हुआ है, पीएमसी बैंक। आरबीआई ने बैन लगा दिया इस पर 6 महीने के लिए। तो इंश्योरेंस हमें मिलता है हमारे अकाउंट पे, लेकिन 1 लाख का ही होता है। 1 लाख तक ही हम अपने बैंक में जो है, सरकार अभी 2 लाख कर दिया है, 2 लाख तक ही हमें अपने रुपए मिल सकते हैं, चाहे हमारे अकाउंट में करोड़ों ही क्यों ना हो, सब डूब जाएगा। उसके बाद आ गया एफआरडीआई बिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिटरी इसकी इंश्योरेंस एफआरडीआई, इसका एम था कि जो डीआईसीजीआई है उसका रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन में उसके अंदर आ जाए। तो इसमें ऑल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होंगे जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, विल हैव टू पे बाय इंश्योरेंस फ्रॉम आरसी। तो वो जो है इंश्योरेंस बाय करेंगे आरसी मतलब रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन से टू प्रोटेक्ट देयर डिपॉजिटर। वो अपने डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसका इंश्योरेंस बाय करेंगे। बिल मॉनिटर दीज बैंक एनबीएफसी इफ दे कम इन इमीडिएट फाइनेंशियल रिस्क। अगर उसमें कोई इमीडिएट फाइनेंशियल रिस्क होता है तो जो है तो वो उसको आरसी जो है मॉनिटर करेगा। आरसी विल ड्राफ्ट रिजोल्यूशन प्लान, वो उसका रिजोल्यूशन प्लान भी बनाएगा। ऐसी कंडीशन में मर्जिंग हो सकती है दूसरी कंपनी के साथ, इसीलिए अभी जितनी बैंकों पर ज्यादा एनपीए था उनकी सबकी मर्जिंग कर दी गई। ये मर्जिंग का जो प्लान था वो सब इसी के अंदर से निकला है। However, in case of big bank, if no investor is found, merger with another bank is not possible. अगर बहुत ही ज्यादा बैंक है, बिग है, नहीं मर्जर हो रहा है तो then RC could even use the big bank depositor money to infuse equity capital to the big bank. जैसे इसीलिए उसका बेल इन पैकेज लाया जाता है, जैसे अलाहाबाद बैंक के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा NPA, गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं डालना चाहती तो वो उसको इन्वेस्टर ढूंढ के प्राइवेट कर लें। नेक्स्ट है ए बैड बैंक कॉल्ड पारा। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम। इन्होंने 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे किया, ये हम कल पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन हम जो है अभी 2021 का पढ़ेंगे। मैंने अभी जो टेस्ट डाला था उसमें बजट के क्वेश्चन भी थे और इकोनॉमिक सर्वे भी थे, तो इनके आंसर मैं आपको भी भेजूंगा शाम तक। ये दोनों हम कल पढ़ेंगे, दोनों ही चीज, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे से हर साल क्वेश्चन आते हैं। बजट से पहले जो है
पार्लियामेंट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पारा क्या है? पब्लिक सेक्टर असेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। पारा विल बाय बैड लोन्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, ट्राई टू सेल्वेज मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लोन स्ट्रक्चर इन लिक्विडेशन ऑक्शन एंड ऑब्जर्व द लॉसेस। तो पारा जो है लोन एब्जॉर्ब करता है, लॉसेस एब्जॉर्ब करता है। पब्लिक सेक्टर असेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी है। तो अरविंद सुब्रमण्यम ने आरबीआई को सजेशन दिया कि जो बैड बैंक है या फाइनेंस है, जो लॉसेस है, दिस आइडिया वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो उसमें जो है एडिशनल डिविडेंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये उन्होंने सजेशन दिया। बट मीडिया अटेंशन टू लैंडर अर्जित पटेल, व्हाई इज अनेबल टू सॉल्व एनपीए प्रॉब्लम, कुड बैड बैंक सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो अर्जित रेस्पॉन्डेड बाय टाइटनिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क। तो उन्होंने जो है अर्जित पटेल ने पीसीए फ्रेमवर्क को जो है टाइट कर दिया। पीसीए फ्रेमवर्क क्या हुआ? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। उन्होंने इसको नहीं किया इम्प्रूव, लेकिन उन्होंने एक नया काम कर दिया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क बनाया। 2002 में जो आरबीआई के गवर्नर थे बिमल जालान, उन्होंने इसे डिजाइन किया था। 2017 में इसे पीसीए को नॉर्म जो थे इसके टफ कर दिए। और 2018 में जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड ने अनाउंस किया कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है पीसीए फ्रेमवर्क है, उसे रीजनल रूरल बैंक के फ्रेमवर्क के साथ में लिया जाएगा, जिसे आरआरबी बोलते हैं। इन पीसीए फ्रेमवर्क ऑल कॉमर्शियल बैंक आर मॉनिटर्ड बाय एसेट क्वालिटी। तो जो एनपीए है वो असेट क्वालिटी के हिसाब से मॉनिटर किया जाएगा। कैपिटल सफिशियंसी, कैपिटल जो है बेसल थर्ड नॉर्म से अटैच किए जाएंगे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिटर्न ऑन असेट्स के, जैसे मैंने मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर मैंने अपना घर लगाया 15 लाख का, तो अगर जैसे 5 साल तक या 10 साल तक लोन नहीं दिया, तो क्या उस घर की कीमत 15 लाख से 20 लाख हो रही है या 10 लाख हो रही है बीयर एंड टीयर की वजह से? तो बैंक को अपना 10 लाख ही रुपए नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 3-4 चीजें देखनी है। पहली असेट क्वालिटी देखनी है कैसी है, कैपिटल सफिशियंसी देखनी है, और प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। तो ये सारे काम देखने हैं। इसके लिए आरबीआई ने 4 पॉइंट बनाए। गिविंग स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी है बैंक डायरेक्टर, सैलरी एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना इन्वेस्टर के बीच में, रिस्ट्रिक्टिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन, और जो है बैंक ब्रांच पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, फोर्सिंग मर्जर एंड शटडाउन ऑफ ए बिग बैंक, या तो बिग बैंक को मर्ज कर दिया जाता है या फिर उसे मर्जिंग कर दी जाती है। ये सभी काम बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंदर किए जाते हैं। तो पीसीए जो है एक तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव टूल के ऊपर काम करती है, तो इसे हम डायरेक्ट एक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑन एनपीए। एनपीए के ऊपर हम अगर 2018-19 का सर्वे देखें, तो इसमें उन्होंने बोला कि बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी, हाउ मच डिविडेंड बैंक आर जनरेटिंग फॉर शेयर होल्डर अगेंस्ट देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेडलाइन। उनका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो घट रहा है, ऐसा बोला गया इकोनॉमिक सर्वे में। दूसरा बोला गया प्रॉम्प्टेड बिहेवियरल चेंजेस इन कॉर्पोरेट बिहेवियर, नाउ द फियर लूजिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है कॉर्पोरेट बोरोवर्स का, वो चेंज हुआ है। उन्हें जो है लूजिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी पे जो उनका कंट्रोल है वो लूज हो रहा है। 31 मार्च 2018 तक 15,000 करोड़ वर्थ एनपीए हैव बीन अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड असेट, मीनिंग द एरोगेंट बोरोवर हैव बीन फोर्स्ड टू रिज्यूम पेइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेगुलरली। तो 15,000 करोड़ का जो एनपीए था वो रेगुलरली स्टैंडर्ड असेट्स में कन्वर्ट हो रहा था। 1.7 लाख करोड़ जो बर्थ का जो टोटल था थ्रू आईएनबी मैकेनिन हैड द लेंडर वेंट टू सरफेसी लिक्विडेशन, 2 लाख करोड़ के करीब जो असेट्स थे उसे लिक्विडेशन में लाया गया था सरफेसी एक्ट के तहत। मतलब काफी अच्छा रिकवरी एनपीए का हुआ था इसके थ्रू। अगर हम वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को देखें, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनसीएलटी ब्रांचेस। तो हमें एनसीएलटी नेशनल क्लेम ट्राइब्यूनल के ये ब्रांचेज है बढ़ानी चाहिए, आईपी प्रोफेशनल बढ़ाने चाहिए, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड इंटैक्ट सेपरेट लॉ क्रॉस बॉर्डर सॉल्वेंसी, और जो हमारे लॉ है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को अलग अलग करना चाहिए। ऐसा ही अभी हुआ हमारे साथ में वोडाफोन कंपनी के साथ में। हमारा केस चल रहा था इस पे टैक्स को लेके, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में डाला।